गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, उसका मीनिंग क्या है। वेरिएबल, वेरिएबल्स मीन्स इन सबको अपन इंडिकेट करते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट से। और अल्फाबेट फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड टी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीन्स इनका मीन्स ऐसे भी लिया जाता है नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होते। सेकेंड इनका ये भी बोला जाता है ये काउंटेबल नहीं होते। क्या नहीं होते, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने देखा वेरिएबल, इट्स मीन्स ऑल अल्फाबेट इंक्लूड इन वेरिएबल, इट्स मीन्स वो डिजिट जिनके अपन क्या नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं, क्लियर। उसके बाद में एक वर्ड है आपका इक्वेशन, इक्वेशन इट्स मीन्स इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज अंडरस्टूड इक्वेशन। यस, इक्वेशन का मीन्स क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले देखना 2x + 1 = 4, दिस इज ए सिंपल इक्वेशन। मीन्स इन दिस केस दैट इज एंड दैट इज, दिस इज LHS साइड एंड दिस RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड यू से इक्वल्स टू, राइट। तो इसका मीन्स क्या है, एक वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट भी होते हैं, कॉन्स्टेंट का मीन्स देखो कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो कॉन्स्टेंट का मीनिंग ये होता है कि कॉन्स्टेंट अपन क्या करते हैं, जिनको अपन ऑलवेज क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, अपनी काउंटिंग जिसको बोलते हैं ना अपन, काउंटिंग है, टेबल है, वो सारे के सारे मीन्स मैथमेटिकल डिजिट जो होती है ना, मैथमेटिकल जो नंबर होते हैं ना, जो ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट्स मीन्स ऑलवेज फिक्स्ड, जैसे 1 = 1, -55 = -55। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं देखा है अभी भी कि 2 = 3 बना दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नंबर सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर, क्योंकि वो क्या होते हैं, सारे फिक्स्ड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं। एक वर्ड और आता है कोफिशियंट, कोफिशियंट का मीन्स क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। इन सबको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो ऑलवेज क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, उनको क्या करते हैं अपन, कोफिशियंट बोलते हैं। तो वेरिएबल्स तो क्या होते हैं, जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनको इंडिकेट करते हैं इंग्लिश के सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो। कॉन्स्टेंट का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, काउंटिंग है, टेबल है, वो सारे के सारे, या फिर सारे नंबर्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर होते हैं। कोफिशियंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में, वो प्लस में भी बन सकते हैं, माइनस में भी बन सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बन सकते हैं। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन का मीन्स क्या है, इक्वेशन का एक सिंपल मीनिंग तो ये होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन बोले वेरिएबल्स, अरेन्जमेंट ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट इज दैट इज इक्वेशन। या फिर अपन इसको सेकेंड फॉर्म में ये भी बोलते हैं कि जिसके अंदर LHS एंड RHS एंड मिड के अंदर उनको कौन सा साइन यूज किया जाता है, इक्वल्स टू का साइन यूज किया जाता है, दैट इज इक्वेशन। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक अलग डिफरेंस होता है, इक्वेशन एक अलग मीनिंग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों
इसमें कभी भी क्या है इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं करते अपन पॉलिनोमियल के अंदर। और इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ये इक्वल्स टू का साइन होता है, इसमें आरएचएस साइड भी वो जीरो बन सकती है और एलएचएस भी कुछ और बन सकती है। तो जिसके अंदर एलएचएस एंड आरएचएस एंड मिड यूज साइन इक्वल्स टू, दैट इज इंडिकेट ए इक्वेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड कोफिशिएंट, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, लीनियर, लीनियर के बारे में देखो, लीनियर से पहले अपन एक डिग्री की बात करते हैं। डिग्री, व्हाट डू यू मीन डिग्री? तो डिग्री का मीन्स ये बनता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर का मीन्स क्या है, वेरिएबल की अपने को क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। फॉर एग्जांपल 2x² + 1 = 5, x + 1 = -7, ये टू डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है, इक्वेशन है ना। तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी 2। यहाँ मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है 1 है ना, तो यहाँ क्या बनेगा 1। तो लीनियर का मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो इस लीनियर का मीन्स क्या है, लीनियर इक्वेशन, विच इक्वेशन इज डिग्री इज 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। मीन्स इसका मीन्स क्या होगा, एक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए अपने पास 1 होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, उसके अंदर 1 आनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। और इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मीन्स क्या है, उसके अंदर एक ही आना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीन्स क्या है, एक सिंपल इक्वेशन जिसके डिग्री क्या होगी 1 और उसके अंदर वेरिएबल भी कितना इंक्लूड करना है अपने को, 1 ही यूज करना है, वो किसको शो करेगा, लीनियर इक्वेशन को शो करेगा। इसकी देखो एक एग्जांपल मैं नोट करता हूं, एक ये रहा, सेकंड देखो ये ऐसे भी बन सकता है y + 1 = -4, ये भी किसको इंडिकेट करता है, लीनियर इक्वेशन को, एग्जांपल। नेक्स्ट अपन ये देखें, सेकंड ये भी बन सकता है 2t - 1 = 0, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। क्लियर, तो अगेन इसको रिपीट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मीन्स डीएल क्या बनता है, ऑल दैट आर नॉट फिक्स्ड, नॉट काउंटेबल भी बोल सकते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते अपन, मीन्स एक्स वाई जेड, इंग्लिश के सारे अल्फाबेट किसके अंदर यूज होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। कॉन्स्टेंट का मीन्स क्या होता है, अपनी काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव या अपन क्या बोल सकते हैं, तो सारे के सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ऑलवेज वेरिएबल्स के क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, वो पॉजिटिव भी बन सकते हैं अदरवाइज नेगेटिव भी बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। फिर बात करते हैं इक्वेशन का, इक्वेशन का जनरल तो डेफिनेशन ही होती है अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वेशन, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर एलएचएस एंड आरएचएस साइड एंड मिड में अपने को क्या यूज करना होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है, वो एक क्या करती है, एक सिंपल इक्वेशन को शो करती है। फिर डिग्री की बात करें, डिग्री का मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल देखना है उसमें मैक्सिमम पावर देखनी है, ये भी बन सकता है, देखो एक इसका है ये हो, फिर फॉर एग्जांपल इसका थर्ड एग्जांपल देखना 2x³ + 2x - 1 = 0, ये हो क्या हो 2x³ + 2x - 1, तो इसमें वेरिएबल क्या है x, बट इसकी मैक्सिमम पावर एक तो 3 है और एक 1 है, तो क्या बनी यहाँ पे 3, ये कितने ऑर्डर डिग्री का होगा, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है। क्लियर, ऐसे उसमें देखना है। लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1, लीनियर का मीन्स होता है डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, वो उसके अंदर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट देखो, क्लियर है ना, अब आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1
एक्सरसाइज 2.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, उसमें क्या है देखना। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। इसके भी टू मेथड्स हैं। देखो फर्स्ट मेथड, देखो मेथड फर्स्ट, यहां हम इसकी बात करेंगे मेथड सेकेंड। क्लियर, देखना एक बार। यू हैव एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। ये सिंपल मेथड है इसका। अभी देखो सिंपल मेथड कर रहे हैं, सिंपल मेथड। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये माइनस टू है ना, माइनस टू है, उससे पहले देखो ये अपने पास क्या है, एक्स माइनस टू है, तो अपन बोथ साइड क्या करेंगे, इस प्लस टू को इलिमिनेट करना है, तो प्लस टू को इलिमिनेट किससे करेंगे, सॉरी माइनस टू है, माइनस टू को किससे इलिमिनेट करेंगे, प्लस टू से इलिमिनेट करेंगे। तो क्या करेंगे, एड बोथ साइड प्लस टू, क्या अपने को करेंगे, ऑलवेज माइनस टू एंड हियर प्लस टू एंड दिस साइड प्लस टू, राइट। एलएचएस साइड के अंदर भी प्लस टू करेंगे, यहां प्लस होता तो अपन क्या क्या करते हैं, माइनस का टू, यहां माइनस का, तो ये किससे इलिमिनेट होगा, प्लस के टू। तो एलएचएस साइड के अंदर भी प्लस टू करेंगे और आरएचएस साइड के अंदर भी प्लस टू करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बनेगा, 7 प्लस 9, क्या बनेगा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 9 बन गई। आगे देखो एक सिंपल क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस टू इजिकल्स टू 7। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। इसका सिंपल मेथड देख रहे हैं, अपने पास क्या है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस टू है, माइनस टू को किससे इलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्लस के टू से ना, तो बोथ साइड अपन ने क्या किया, प्लस टू कर दिया। तो एलएचएस साइड के अंदर भी प्लस टू कर दिया, आरएचएस साइड के अंदर भी प्लस टू कर दिया। क्लियर, तो यहां से ये तो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, जीरो रह गया, 7 प्लस 2 कितना बन गया, 9। नेक्स्ट मेथड देखो, यही है आपके पास क्वेश्चन, एक्स माइनस टू इजिकल्स टू 7, उसको बोलते हैं ट्रांसफर मेथड। इसमें ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर करने से पहले आपको मैं दो तीन बात बता रहा हूं, देखना। यहां देखो, ट्रांसफर ऑलवेज क्या किया जाता है, जो इक्वल्स टू का साइन होता है ना, इक्वल्स टू का साइन, जैसे ये वाला साइन इक्वल्स टू का डबल लाइन वाला, इक्वल्स टू के साइन से इस साइड से ये होती है एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज आरएचएस साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करें, अदरवाइज राइट साइड से अपन किस में करें, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें, तो साइन का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या, माइनस का ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इक्वल्स टू के इधर किस में जाएगा, प्लस में, और प्लस वाले का आरएचएस में अपन लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, आरएचएस माइनस में। सिमिलर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का आप ट्रांसफर कर रहे हो आरएचएस साइड में, एलएचएस से किस में ट्रांसफर कर रहे हो, आरएचएस, तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में। अगर आप आरएचएस को एलएचएस डिवाइड, आरएचएस को आरएचएस के डिवाइड को आप एलएचएस में चेंज करना चाहते हो तो वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। सिमिलर अपन ये भी कर सकते हैं, यहां प्लस है तो इसको इधर ट्रांसफर करो, मैं कहने का मीन्स क्या है, सिंपल सी बात ये है कि माइनस का ट्रांसफर किया जाता है तो वो प्लस में जाता है, और प्लस का ट्रांसफर किया जाता है वो माइनस में जाता है, डिवाइड का ट्रांसफर किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई को चेंज किया जाता है तो वो किस में होता है, डिवाइड में चेंज होता है। क्लियर, तो ये ट्रांसफर मेथड आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये माइनस का टू है तो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस का टू इस साइड में ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, 7 ही सेम रहेगा, माइनस का टू ट्रांसफर होगा किसमें चेंज होगा, प्लस के टू में। अब देखो क्या बनेगा, 7 प्लस 2 क्या बनेगा, 9, क्या बनेगा, 9। देखो दोनों का सेम आंसर है, यहां पे भी एक्स की वैल्यू 9 है, यहां पे भी एक्स की वैल्यू 9 है। क्लियर,
तो ये ट्रांसफर मेथड आपको ध्यान करने के लिए पहले ये टेबल देखनी है आपको। टेबल का मीन्स क्या है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में किसी भी साइन का या डिजिट का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है या प्लस किया जाता है माइनस किया जाता है, वो किस अकॉर्डिंग बनता है, ये इस अकॉर्डिंग बनता है। आपको माइनस को ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में करें या राइट साइड से लेफ्ट साइड में करें, एक ही बात। तो माइनस वाला प्लस में चेंज होता है और मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज करें तो वो किस में होता है, डिवाइड में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन के अंदर x माइनस टू इक्वल्स टू सेवन। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ट्रांसफर नहीं करना, तो माइनस टू को इधर ट्रांसफर करो। तो सेवन प्लस माइनस का तो किस में ट्रांसफर होगा, प्लस में। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, नाइन बन गया। ओके, थैंक यू।